इनका चैनल सीमा भगोड़े का बंद, पुंगी पुंगी बजेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सीमा 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 कहते ना, सीमा हैदर, मैं कहता हूँ सीमा हैदर पैदर साहब, इनका सब निकल जाना है, इसको इसका बैंड बजा देंगे, टेंशन नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, बैंड भी बजाएंगे, ढोलक भी बजाएंगे, पपीरी भी बजाएंगे इसकी। सुनो, इस सीमा हैदर का वो बैंड बजने वाला है इसी हफ्ते। गुलाम हैदर का कब आ रहा है, गुलाम हैदर कब आ रहा है, गुलाम हैदर कब आ रहा है, मैं कहता हूँ गुलाम हैदर का 95% काम पूरा हो चुका है। गुलाम बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, क्योंकि ज़बरदस्ती देना है ना, ज़बरदस्ती दूंगा। पहले तो ये बताइए कि कौन कौन अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छी खबर कौन कौन सुनना चाहते हैं, बस मैं तो भैया यही कहता हूँ। हम तो चाहते हैं कि एक पिता के बच्चे में साथ देंगे, अभी तो साथ शुरुआत हुई है, अभी फिल्म का अभी इंटरवल हुआ है, अभी एंड बाकी है, अभी तो एंड बाकी है। मोमिन मलिक जी ने हमारा इंटरवल जो स्टार्टिंग थी फिल्म की, नंबरिंग से लेके इंटरवल तक आ चुके हैं, और अभी एंड आने वाला है, और अभी हम साथ हैं। जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे, जब तक भैया हम तो आवाज़ उठाएंगे, अब आवाज़ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल हम साथ खड़े हैं। तो बहुत अच्छी अपडेट है। अपडेट क्या, मैं आपको सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोमिन मलिक जी ने कल भी कहा है, सबसे पहले बात है कि कोई भी चैनल वाला है कि जिस तरह से जो भाषा है उसका प्रयोग सही से करे। जिस तरह से कल बाकायदा मोमिन मलिक जी ने कहा भाई कोठे वाली है, जिस तरह से कुछ भाषा ही जैसे है ना, उसमें इसको इसका बैंड बजा देंगे, टेंशन नहीं है। हम भारतीय हैं, मैं हम भारतीय हैं, बैंड भी बजाएंगे, ढोलक भी बजाएंगे, पपीरी भी बजाएंगे इसकी। सुनो, इसकी पपीरी भी बजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जुगाड़ है हमारे पास। भारतीय भारत वाले है ना, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है आज, भारतीयों का भैया, भारत के लोगों का डंका बजता है, भारत के लोगों के शेर है, हमारी माताएं बहनें शेर नहीं, हमारी भारत की, हमारी आस्थमा है, सब है, सब खड़े हैं, हमारी सरिता कटित बहन है, सब खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे हम तो हाई हैं, और बात आवाज़ उठाते नहीं है, हम आवाज़ को पूरा भी करते हैं। और जो जो जवान जो जो हाँ जी जो जवान देते हैं वो पूरी भी करते हैं। सुनो मेरी बात, और इस सीमा हैदर का वो बैंड बजने वाला है इसी हफ्ते। जब आज तक काले तिल एक दिया, हेलो शनि मंदिर में मैं उसी दिन चढ़ाया दीवा जलाऊंगा, काले तिल दिया, सुन लो मेरी बात, और एक काला कपड़ा भी, सुनो मेरी बात। जब शनिवार तक का टाइम है ना, तो मैं शनिवार शनि महाराज को बहुत मानता हूँ भाई, मैं अपने बजरंग बली को, शनि महाराज को, श्री राम को मानता हूँ भैया, हम सनातनी है। और भैया अगर शनिवार की इसकी बात आएगी, इसकी भैया जो भी जेल जाने की डोली हो या कोई इसका पंगा तगड़ा होना, भाई शनिवार को ही होगा, या तो मंगलवार को या शनिवार को देख लेना। हाँ, बहुत अच्छा ये है कि अभी जो मामला जो है, सबसे मेन चीज़ भैया, लोग पूछते हैं भाई गुलाम हैदर का कब आ रहा है, गुलाम हैदर कब आ रहा है, गुलाम हैदर कब आ रहा है, और भैया मैं कहता हूँ गुलाम हैदर जल्द से जल्द आ रहा है। जब मैं सच्चाई बोलूँगा तभी कुछ होती है, या तो मोमिन मलिक जी सच बोलेंगे तो कुछ बातें हमें पता होती है, तो मैं गुलाम हैदर से जुड़ा हूँ तो मैं बातचीत मेरी होती रहती है। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर का 95% काम पूरा हो चुका है। गुलाम हैदर मेरी कल भी बात हुई, ठीक है जी, आज भी मैसेज के द्वारा हो गई है, तो मैं कहता हूँ जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहा है। इस सीमा भगोड़ी को जेल जाने का रास्ता इसका तय हो चुका है। मामला जो है कोर्ट तक भी पहुँच गया और कार्रवाई भी हो चुकी है, और मोमिन मलिक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भी आ रहे हैं, और जैसे ही गुलाम हैदर भारत में एंटर होंगे, इनकी सबकी जो कहते ना एक पुंगी बजेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सीमा 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 कहते ना, सीमा हैदर, मैं कहता हूँ सीमा हैदर पैदर साहब, इनका सब निकल जाना है। सुन लो मेरी बात, अब तो वो बेवड़ा हो गया, सुनो उसको बोलो बेवड़ा, सुबह 5 बजे उठ के दारू पीता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द गुलाम हैदर का जो प्रक्रिया है वीजे की वो पूरी हो चुकी है, जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं, और बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। देखिए, तो मैं कहता हूँ कि गुलाम हैदर का जो वीजा है, गुलाम हैदर का वीजे की प्रक्रिया 95% पूरी हो चुकी है, और गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आ रहे हैं। ये मैं आपको मैं अपडेट देता हूँ, अब की बार मैंने बहुत सॉलिड अपडेट दी, क्योंकि कल गुलाम हैदर ने बहुत अच्छी एक खबर भी भेजी है, क्योंकि भारत आने पर जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई पूरी जो भी है। हाँ, और अच्छी बात ये है कि सीमा हैदर का सचिन का, और मैं कहता हूँ सचिन तो एक शराब कहते हैं शराबी बन गया, सुबह 5 बजे शराब पी लेना उसको, और सुबह 5 बजे शराब पीकर उसने सारा दिन वो घर में गटर मस्ती, उसकी जो जिंदगी है वो एक नरक, जिसे कहते हैं नरक की जिंदगी, वो उसकी नरक की जिंदगी बन गई है सचिन। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सही है, लेकिन मैं कहता हूँ वो घर के अंदर ही वो कैद है, वो इस तरह से कि सुबह उठ देना सारा दिन शराब पीना, और वो जो सीमा हैदर है वो उसका साथ दे रही है, तो मैं कहता हूँ कि उसकी कोई जिंदगी नहीं है, ऐसे ही है, वो घर में नाच रही है, डांस कर रही है, और इसके जो चैनल है वो भी बंद होने वाले, ये शायद आपको सबको जानकारी है। कोई ताकत इसको, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है, और कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करना इनको पता नहीं है, इस सीमा हैदर को पता नहीं है कोर्ट का उल्लंघन करना कितनी बड़ी बात होती है। और जब इसने कोर्ट का उल्लंघन किया है, और जब कथा कोर्ट ने कहा कि चैनल इस पे रो, और कल बाकायदा मोमिन मलिक जी ने दिखाया है कि भाई बाकायदा इनको कोर्ट ने उल्लंघन किया तो इसको बंद किया जाएगा, और अब इसका चैनल, इनका चैनल सीमा भगोड़ी का बंद। देखिए, इसका जो अंजाम है, ये जो कर रही है, इसका अंजाम इसके लिए कानून के तहत बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि इसके जितने भी चैनल भी बंद हो, जेल भी जाएगी, और गुलाम हैदर के बच्चे भी मिलेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने बहुत सख्त कदम उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान से कैसे कैसे इसके प्रोपगंडे आ गए हैं, कैसे कैसे ये पाखंडी है, कैसे कैसे ये झूठ की दुकान है। देखिए, एक पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय करके गलत तरीके से ये खुश नहीं रह सकती, ये सोच रही है मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ ही दिन खुशी है इसकी,
मैं कह रहा हूँ जेल में देखिए इस तरह की अगर वो होती है, जेल का रास्ता एक बहुत बड़ा रास्ता होता है और इसका जेल का रास्ता बाकायदा गोमी मलिक जी ने तैयार कर चुके हैं और सबसे बड़ा इसका चैनल, सबसे बड़े इसके चैनल बंद होने हैं और गुलाम हैदर के बच्चे तो इसको देने ही पड़ेगा, जेल जाएगी, ये जेल जाएगी। मैं कहता हूँ दर्शक सुने सभी है, मेरी माता बहनें जो मेरे दोस्त है सभी सुने, क्योंकि ये जेल जाएगी, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने जो देखिए कार्रवाई बहुत तगड़ी कर चुके हैं, ये देखिए वो बड़े गुप्त आदमी है, मैं कह रहा हूँ वो सीआईडी के आदमी है, मोमिन मलिक जी ना सीआईडी है वो सीआईडी ना उन्होंने ऐसे घर बैठे बैठे ना पूरी सीआईडी है, वो नेशनल दिमाग भी है और वो एक खिलाड़ी है, खतरों के खिलाड़ी है, समझो वो बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं, सुनो और हर चीज का उसने देखो आपको इशारा दिया उन्होंने जनता के बीच में इशारा, मैं अन्न की कसम खाता हूँ, कहा था उन्होंने क्या, मैं भारतीय नहीं, मैं भारतीय नहीं कि तुझे खून के आंसू ना रुलाऊं, मैं भारतीय नहीं कि तुझे जेल ना भिजाऊं, अब मैं भारतीय नहीं कि मैं गुलाम हैदर के बच्चे ना दिलाऊं, कह दिया कि भाई जेल भी भिजाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा, गुलाम हैदर के बच्चे दिलाऊंगा और वो काम मैं कर चुका हूं, वो काम मैं कर चुका हूं। अच्छा एक बात, वो काम किसने बोला उन्हें, सिर्फ गुलाम हैदर भारत, उसी दिन हो जाना है, उसी दिन पत्ता ऐसा साफ, जैसे इतना ऐसे करते ना पत्ता साफ, उसी दिन पत्ता साफ हो जाना है, एक ही तारीख पे जिस दिन गुलाम हैदर भारत आया कोर्ट के सामने पेश हुआ, इनकी बैठ बच जानी, एपीसी भरद्वार, सचिन मीणा जेल, सुन लो, और उसकी जो माँ है वो तिरुपति बालाजी और भैया वो काशीवासी, तो ये भैया सब इधर उधर हो जाने, सुनो मंदिर जाएंगे, भगवान हमें बचा लो, ये बचाने के चक्कर में रहेंगे, जिस दिन गुलाम हैदर, मैंने कहा मिलेगी, गुलाम हैदर के बच्चे दिला के ही दम लूंगा, भैया आवाज लेंगे, हम सब लेंगे, हम सब गुलाम हैदर के बच्चे दिलाकर ही दम लेंगे और इस सीमा हैदर को मैं कहता हूँ जेल होगी और पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाएगा इसको 100%। शुरू से जो गुलाम हैदर का जो मामला आया था ना, मैं शुरू से एक छोटी सी कड़ी बता रहा हूँ क्योंकि वो कड़ी है ना सबको सुननी पड़ेगी और वो कड़ी एक ना बहुत अहम कड़ी थी, ठीक है जी, वो एक कड़ी जो गुलाम हैदर की थी, वो सीमा हैदर की थी, इसलिए मामला था ये बड़ा, मैं कहता हूँ मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी घटना हो गया, मेरे लिए ये एक भयानक जैसे एक सपने की तरह हो गया है, मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ लेकिन मुझे दो बार गुलाम हैदर की बात याद आती है कि जिस दिन ये मामला हुआ और उस दिन शाम का टाइम था तो गुलाम हैदर का जो था वो मैंने देखा कि भाई एक बात चल रही है तो परिवार में कहा भाई एक चार बच्चों की माँ इलीगल रास्ते से भारत में घुस गई, अरे मैं कहा यार ऐसे घुसी गई होगी लोग क्या है, जब मामला था ना मैंने रात को आराम से देखा और मैं ना कोई चीज़ देखता हूँ सुनता हूँ तो मैं उसको फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, कोई चीज़ हो ना मैं छोड़ता भी नहीं, मैंने देखा कि एक पिता उसके चार बच्चे उसका घर का ताला लगा दिया, उसका घर बिक गया और वो बंदा कहाँ था, विदेश, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक पिता विदेश गया और पीछे से उसकी पत्नी उसकी बेगम उसका घर बार बेच के चार बच्चों को लेके इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुस गए, तो मैंने बहुत दिल से आवाज़ देखी, घबराया नहीं, आपको यकीन नहीं करोगे, मैं इसमें घबराया नहीं, मैंने आवाज़ इसलिए उठाई, फिर वो रोया गुलाम हैदर, रोया, भारत सरकार से गुहार लगाई, भारत सरकार मोदी जी से गुहार लगाई, भारत की जनता से गुहार लगाई, भारत की बहन बेटी से गुहार लगाई, हाथ जोड़ के झोली फैला रहा था कि हे मेरे भारत के लोगों, हे मेरे मोदी जी योगी जी, देखिए शरीफ आदमी है, गरीब है, मजदूर, उसको कुछ नहीं, अनपढ़ हो, मैंने सारा उसका सब कुछ बायोडाटा निकाला, वो उस बेचारे को कुछ नहीं पता, वो अपने पत्थर तोड़ता था सऊदी